वक्त था 1971, जब भारत पाकिस्तान युद्ध दुनिया भर में चर्चा का विषय बन चुका था। इस युद्ध का कारण बना बंगाली बहुल्य पूर्व पाकिस्तान, जिसे लोग आज बांग्लादेश कहते हैं। भारतीय फौज की ज्यादातर सेना पूर्व भारत में तैनात थी। ऐसी परिस्थिति में पाकिस्तानी सेना ने भारत के पश्चिमी हिस्से पर आक्रमण किया। 4 दिसंबर 1971 पाकिस्तानी फौज ने राजस्थान के जैसलमेर में स्थित लोंजेवाला बॉर्डर पर तैनात मात्र 120 भारतीय सिपाहियों पर आक्रमण किया। पाकिस्तानी फौज ने इसी से 1971 युद्ध का ऐलान किया, परंतु मात्र 120 भारतीय सिपाही उनके 2000 फौज पर भारी पड़ी। दूसरी तरफ उनकी सहायता में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सेनाओं को ध्वस्त करने का काम किया। युद्ध का स्तर तब भयानक हुआ जब पाकिस्तानी वायुसेना और भारतीय वायुसेना एक दूसरे से आसमान में भिड़ गई। भारत के पश्चिम क्षेत्र को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना को मिली, परंतु यह इतना पर्याप्त नहीं था। इस युद्ध में यूएसए भी सम्मिलित हुआ। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को युद्ध में हारता देख यूएसए और चाइना पाकिस्तान की मदद करने मैदान में आ पहुंची। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंगर को पाकिस्तान की मदद करने के ऑर्डर्स दिए। अमेरिकी नौसेना भारत की तरफ रवाना हुई तो जॉर्डन की वायुसेना लगभग 22 एयरक्राफ्ट के साथ तैयार थी। सऊदी अरब, यूएई ने भी अमेरिका का साथ दिया। चाइना ने भारत को तरह तरह की धमकी देने का काम किया। इंडोनेशिया की नौसेना और फ्रांस भी पाकिस्तान की मदद करने के लिए तैयार हुई। लीबियन एयरफोर्स और यूके नेवल फोर्सेस भी पाकिस्तान की मदद करने को तैयार थी। यूएस नेवी की 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल के लिए रवाना किया गया। इसी 7th फ्लीट में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद था। ब्रिटिश नौसेना जंगी जहाज के साथ अरब सागर से भारत को घेरने के लिए रवाना हुई और वहां श्रीलंका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चाइना को अपनी फौज के साथ भारत पर आक्रमण करने की बात कही। चाइनीज आर्मी के लिए यह सब आसान नहीं था, क्योंकि नॉर्दर्न कमांड से इंडियन आर्मी उनका सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। सोचिए, बड़े से बड़े आर्थिक समृद्ध एवं मिलिट्री पावर रखने वाले देश पाकिस्तान की मदद में थी। भारत पूरी तरह से डिप्लोमेटिक लेवल पर आइसोलेट हो चुका था। ऐसी परिस्थिति में भारतीय नौसेना अकेले सक्षम नहीं थी यूएस और ब्रिटिश वायुसेना को रोकने में। भारत के पास आईएनएस विक्रांत ही था। ऐसे विकट परिस्थिति में वाइस एडमिरल एन कृष्णन चंद फौज के साथ लड़ने को तैयार थे। ऐसी परिस्थिति में यूएसएसआर भारत का साथ देने को तैयार हुआ। भारत की सहायता करने के लिए सोवियत नेवी व्लादिवोस्तोकोव से दो भागों में रवाना हुई। एक भाग बे ऑफ बंगाल तो दूसरा भाग अरेबियन सी जा पहुंचा। सोवियत नेवी ने यूएस और ब्रिटिश नेवी को रोककर भारत की उत्तम सहायता की। यह सब के बाद भी जरूरी था भारी हथियारों की। हथियारों की पूर्ति करने सामने आया इजराइल। इजराइल जो पहले से ही अरब देशों का सबसे बड़ा शत्रु है, भारत को हथियार प्रदान करके इजराइल ने भारत पर बड़ा एहसान ही किया था। परंतु कुछ सवाल उठ खड़े हुए। क्यों इजराइल भारत की सहायता करने में लगा जबकि भारत के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन तक नहीं था? क्यों भारत के लिए इजराइल यूएसए, यूके और फ्रांस को भी दुश्मन बना लेने को तैयार था? जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी तो क्यों इजराइल भारत के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार हुआ? जानने के लिए बने रहिए आज के एपिसोड में। भारत और इजराइल का संबंध कुछ सालों से नहीं परंतु मिड सेकेंड मिलेनियम बीसीई से है।
हल्दी, केला, तेल का जबरदस्त उत्पादन साउथ एशिया, उसमें भी भारत में होता था। इसराइल के इतिहासकार के मानते हैं कि केला, तेल, हल्दी जैसे पदार्थों का इंपोर्ट वे भारत से करते। सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जाता है कि दोनों देशों के बीच बंदर और मोर जैसे जानवरों का व्यापार मौजूद था। हिब्रू और सेमेटिक लैंग्वेज के प्रोफेसर चेम मेनकम रैबिन के अनुसार इसराइल और भारत के रिलेशंस को किंग सोलोमन के समय अर्थात 10वीं शताब्दी में भी पाए गए हैं। यह एशियन टाइम से ऊपर उठकर अगर मॉडर्न पीरियड की बात करें तो इसराइल और भारत के संबंध रिलीजियस बेसिस से न हो पाए। जहां इसराइल हमेशा खुले मन से भारत से दोस्ती करना चाहता था, वहीं भारत के माइनॉरिटीज के सो कॉल्ड विश्वास पाने के लिए इसराइल जैसे कर्मनिष्ठ व छोटा परंतु अत्यंत मजबूत देश से भारत दूर भागता। इस बात को सिद्ध करने के लिए इसराइल के फॉर्मेशन यानी साल 1948 की घटना आप सभी दर्शकों को याद दिलाना जरूरी है। 1945 से भारत धार्मिक कारणों से बटा। जहां हिंदू और मुसलमान के बीच के संबंध बिगड़ने लगे, वहां मामलों को शांत करने के लिए महात्मा गांधी, पंडित नेहरू जैसे नेता एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। परंतु बंटवारा हुआ और भारत से पाकिस्तान बना और सारी बेकार मेहनत का अंत बेकार ही निकला। पाकिस्तान जहां पूर्ण रूप से इस्लामिक देश बना, वहां भारत दोनों धर्म का सम्मान करता राष्ट्र बना। जब इसराइल राष्ट्र के निर्माण की बात आई तब महात्मा गांधी जी का मानना था कि ज्यूस का पहला हक है अपनी जमीन पर, परंतु जब पब्लिक स्टेटमेंट की बारी आई तब वे पूरी तरह से मुकर गए और कह बैठे कि उस जमीन पर अरब का हक है, इसलिए पूर्ण रूप से वह जमीन फिलिस्तीन को जानी चाहिए और ज्यूस जहां से आए हैं वहां वापस लौट जाए। यह स्टेटमेंट साफ साफ भारत में रह रहे मुसलमानों का दिल जीतने के लिए था, क्योंकि ज्यूस मुस्लिम के बीच की लड़ाई इतिहास से छुपी नहीं। गांधी जी का यह पलटाव कितना सही और गलत था यह हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं, परंतु भारत का यह स्टैंड इसराइल के लिए अच्छा न था। जून 13, 1947 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 4 पेज का लेटर श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा। यह गुहार लगाते कि भारत ज्यूस के इसराइल राष्ट्र के निर्माण में उनका सपोर्ट करे, क्योंकि उनका साथ कोई देने वाला न था और वे भारत को बड़े आशा भरी निगाहों से देख रहे थे। परंतु नेहरू जी ने भी पूरी तरह से रिक्वेस्ट को इग्नोर किया और किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट न देकर इसराइल का साथ छोड़ा। इन सब के बाद भी 1949 में भारत ने इसराइल के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में वोट किया फिलिस्तीन के पार्टीशन मुद्दे पर। जहां भारत के राजनेता इसराइल को नकार रहे थे, वहां पर कुछ भारतीय जरूर थे जिन्हें राजनीतिक मंच हासिल न था परंतु अपनी बात बेबाकी से रखना जानते थे। हिंदू महासभा के नायक श्री विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसराइल राष्ट्र का समर्थन किया और मानवता के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा दिखाई। वहीं यूएन में हुए इसराइल के खिलाफ वोट का पूरी तरह से खंडन व विरोध किया। यहां तक भारत के सबसे बड़े हिंदू संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के संचालक श्री माधव सदाशिव गोवलकर जी ने पुरजोश में यहूदी राष्ट्र का समर्थन किया और यह भी कहा कि जिस भूमि के लिए इसराइल लड़ रही है वह लड़ाई पूरी तरह से योग्य है। तो इस तरह से यह कह सकते हैं कि जहां भारतीय राजनेता मुसलमान को खुश करने में इसराइल को अकेला छोड़ चुके थे, वहां भारत के आम नागरिकों ने इसराइल का समर्थन खुलेआम किया, जिस बात को इसराइल जानती व समझती थी। वर्ष 1971 जब दुनिया ने भारत पाकिस्तान युद्ध को देखा, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने लोंजेवाला बॉर्डर में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ भगाया, परंतु मुसीबत कम होने की जगह और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पाकिस्तान के मदद के लिए आधी से ज्यादा दुनिया उठ खड़ी हुई। बात अगर हो आर्मी सपोर्ट की तो चाइनीज आर्मी पाकिस्तानी के साथ खड़ी थी, तो दूसरी तरफ जॉर्डन, लीबिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, फ्रांस अपने एयरफोर्स को तैयार कर भारत पर आक्रमण करने वाली थी।
इंडोनेशिया, यूएसए और यूके अपनी नेवी के साथ भारत को घेरने वाली थी। भारत को समय से पहले यूएसए और यूके की षड्यंत्र का पता लग चुका था। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW ने एक कॉल को इंटरसेप्ट करके पता लगा लिया कि यूएस नेवी बे ऑफ बंगाल से तो ब्रिटिश नेवी अरेबियन सी पर तैनात होकर भारत पर आक्रमण करेगी। RNAW ने पूरी रिपोर्ट भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को सौंप दी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यूएसएसआर से सहायता मांगी। यूएसएसआर ने बिना देरी किए सोवियत नेवी को भारत की सहायता के लिए भेजा। सोवियत नेवी दो भागों में बटी, एक बे ऑफ बंगाल तो दूसरी टुकड़ी अरेबियन सी से इंडियन नेवी की सहायता में लग गई। सोवियत नेवी के सामने यूएसए और ब्रिटिश नेवी भिड़े, ऐसी परिस्थिति दोनों देश की हालत खस्ती बना सकती थी। ब्रिटिश नेवी को आखिरकार पीछे हटना पड़ा और मेडागास्कर के रास्ते से वापस लौट गई। यूएस नेवी भी उल्टे पांव वापस लौट गई। यूएसएसआर ने अपना काम कर लिया, लेकिन मुसीबत पूरी तरह से टली नहीं। यूएसए और अन्य अरब देशों ने पाकिस्तानी आर्मी की अधिक मात्रा में हथियार सप्लाई करके सहायता प्रदान की। ऐसे सिचुएशन को काउंटर करने के लिए भारत के पास भी हथियार अधिक मात्रा में होना जरूरी था। इस परिस्थिति में RNAW फिर से काम आया। RNAW चीफ RN काओ जानते थे कि एक ही देश उनकी मदद कर सकती है और वो है इसराइल। RN काओ ने मोसाद को जरिया बनाया इसराइल तक पहुंचने का। उन दिनों इसराइल और भारत के बीच कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। RN काओ मोसाद के साथ काम करके पाकिस्तान पर भी नजर रखना चाहते थे। इसराइल से मदद मांगने के प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपनी स्वीकृति दी। फ्रांस में रह रहे भारतीय राजदूत DN चटर्जी ने मोसाद के साथ संपर्क किया। भारत को हथियार पहुंचाने के लिए उस वक्त इसराइल की प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर तैयार थी। उस वक्त इसराइल के पास हथियारों की कमी थी, परंतु फिर भी बिना एक क्षण देरी किए गोल्डा मेयर भारत को हथियार प्रदान करने के लिए तैयार थी। भारत की सहायता करने के लिए गोल्डा मेयर तैयार थी, परंतु साथ ही साथ कुछ शर्तें भी उनकी थी। वो चाहती थी कि भारत इसराइल के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो और भविष्य के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसराइल की सहायता करें। इसराइल ने बड़े तादाद में भारत को हथियार पहुंचाए, जो आगे जाकर भारत के युद्ध विजय का प्रमुख कारण बना। इसराइल द्वारा भेजे गए हथियारों को RNAW ने ईस्ट पाकिस्तान में स्थित बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे मुक्ति वाहिनी तक पहुंचाया। इस वजह से पाकिस्तान को बांग्लादेश में भारत ने घेर लिया और इतिहास में वो कर दिखाया जो ना कभी कोई देश कर सका और ना कर पाएगी। कुल 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडियन आर्मी के सामने आत्मसमर्पण किया। सोचे दोस्तों, पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था इसराइल, और वो भी किसके लिए? भारत देश के लिए, जिसने हर कदम इसराइल का विरोध किया। कहां गए गांधी जी की दूरदृष्टि, जो यह बता रही थी कि इसराइल का साथ ना दे? जिस अरब देश ने भारत को बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान का साथ दिया, उस अरब देश को खुश करने के लिए इसराइल का साथ ना दिया भारत ने। गांधी जी की विचारधारा निम्न स्तर पर थी, जिसकी वजह से भारत का बंटवारा हुआ। गांधी जी की समस्या यह थी कि वह दुनिया को पहचान नहीं पाए, वह इतिहास से कुछ नहीं सीखे और द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया। भारत ने 1948 भविष्य के सबसे अच्छे मित्र इसराइल को अनदेखा किया। गांधी जी का मानना था कि मुसलमान इसराइल भारत की दोस्ती से खफा हो जाएगा। बस इसी छोटी सोच से भारत को कई सारी समस्या का सामना करना पड़ा। गांधी जी यह भूल चुके थे कि केवल मुसलमान नहीं, परंतु पूरे देश की सुरक्षा का विचार सर्वोच्च होना चाहिए। जो व्यक्ति भारत के लिए अच्छे नेतृत्व रखने वाले प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सका,
तो भला उनसे देश की सुरक्षा के विषय में हम क्या उम्मीद कर सकते थे? गांधी जी ने इतिहास में बड़े से बड़े गलत निर्णय लिए हैं, जिसमें अरब देशों के प्रति वफादारी सबसे प्रमुख उदाहरण है। गोल्डा मेयर ने जहां जी जान से भारत का समर्थन किया, इस विश्वास से कि भारत के साथ संबंध अच्छे कर प्रगति के पंथ पर चलेगा, वहीं भारत के राजनेता अलग ही दाव खेल रहे थे। ये बात तो आम जनता से भी छुपी नहीं थी कि इसराइल ने परिस्थिति के विपरीत जाकर भारत का समर्थन किया था। जहां आम भारतीय, जिसे हम असल भारत कहते हैं, वे इसराइल के आभारी थे, वहां भारत की छवि खराब करने वाले राजनेताओं ने इसराइल से दूरियां बनाई। कारण वही जो 1947 में था, वह कारण था वोट बैंक की राजनीति। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 1947 की सरकार से लेकर इंदिरा जी की 1977 और फिर 1980 से 1984, इतने सालों तक ज्यादातर एक ही परिवार ने सरकार चलाई और पार्टी भी एक। आइडियोलॉजी का बदलना इतना आसान नहीं होता। 1947 में अरब फैशंस को सपोर्ट किया गया, तो 1966 के बाद इंदिरा गांधी जी ने भी अरब सपोर्ट किया इस मंशा से कि अरब पाकिस्तान के अगेंस्ट जाकर कश्मीर इशू में भारत का साथ देगा। परंतु 1971 में इतिहास सबके सामने है कि अरब्स ने किसे सपोर्ट किया। के बाद अरब से नाता टूटा, लेकिन ढाल की तरह खड़ी इसराइल, भारत के सपोर्ट में खड़ी इसराइल से नाता भी भारत ने ना जोड़ा, जस्ट टू सेव एंड एंटरटेन मुस्लिम वोट्स। परंतु 1992 में भारत और इसराइल के संबंध को सुधारने का कुछ हद तक काम पेमुला परथी वेंकटा नरसिम्हा राव ने किया। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में कहा जाता है कि वे भारत के अग्रेसिव व फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखने वाले प्रधानमंत्री बने। यह हम सब जानते हैं कि भारत के एटॉमिक प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट फाइनल व गुड टू गो तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। भारत का 1947 से 1998 तक के एटॉमिक प्रोजेक्ट के ऊपर हम इससे पहले वीडियो निकाल चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व आई बटन में है, जिसे आप अवश्य देखें। 1992 में ही पीवी नरसिम्हा राव ने इसराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशंस की शुरुआत की, तेल अवीव में इंडियन एम्बेसी को एस्टैब्लिश करके। एम्बेसी का एस्टैब्लिश होना दोनों देश के रिलेशंस को अच्छे व प्रस्थापित करने के संकेत थे। मई 1999, भारत फिर से पाकिस्तान के सामने युद्ध में उलझा। उस वक्त कारगिल की चोटी पर पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया। कारगिल की चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सोल्जर्स इंडियन आर्मी पर हमला करते, जवाब में इंडियन आर्मी ने दुगने प्रहार से हमला किया। भारतीय सैनिक कारगिल की चोटी पर जैसे कूच करते, तभी उसी वक्त ऊपर से पाकिस्तानी सेना उन पर हमला करके वापस भेज देती। भारतीय थल सेना समझ चुकी थी कि कारगिल की चोटियों पर तैनात दुश्मनों के बंकर्स को एयरफोर्स द्वारा नष्ट किया जा सकता था, इसलिए इंडियन एयरफोर्स को यह काम सौंप दिया गया। इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर लॉन्च किया। इंडियन एयरफोर्स के लिए बंकर्स के लोकेशन का पता लगाना जरूरी था। इस काम को अंजाम देने के लिए एरियल रिकंसिलिएशन मिशन की तैयारी की गई। कैनबरा PR-57 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया। इस मिशन में सफलता हाथ न लगी, क्योंकि दुश्मनों के स्टिंगर्स मिसाइल लगने से एयरक्राफ्ट को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। एरियल रिकंसिलिएशन मिशन के फेल होने के बाद ऑपरेशन सफेद सागर असफल होता नजर आ रहा था। इंडियन एयरफोर्स ने यूएसए से नेविगेशन सॉफ्टवेयर की मदद मांगी, परंतु यूएसए ने मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ऐसी परिस्थिति में इंडियन एयरफोर्स की मदद करने के लिए इसराइल सामने आया। इस बार फिर इसराइल ने यूएसए की धमकी को रत्ती भर भाव नहीं दिया। इसराइल ने इंडियन एयरफोर्स के मिराज 2000 फाइटर्स प्लेन को लेजर गाइडेड मिसाइल्स दिया, जिससे दुश्मनों के बंकर्स को सही तरह से लोकेट करके नष्ट किया जा सके।
इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स ने कारगिल की चोटियों पर स्थित दुश्मनों के बंकर्स को नष्ट करके इंडियन आर्मी का मार्ग साफ किया। आज इस कारगिल युद्ध के विजय पर हम गर्व महसूस करते हैं, उस विजय के प्रमुख कारणों में इसराइल भी है। इसराइल 1971 और 1999 कारगिल युद्ध में एक तरफा दोस्ती को कायम रखे बैठा था। 1999 कारगिल विजय के बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने खुले मन से इसराइल के साथ दोस्ती की पहल की। पहल कुछ इस प्रकार से की कि 1999 में ही इंडियन कैबिनेट मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल सोली सौरभ जी ने इसराइल का दौरा किया। उसके पश्चात साल 2000 में प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्रिजेश मिश्रा ने भी इसराइल का दौरा किया। उसी साल भारत के होम मिनिस्टर श्री लाल कृष्ण अडवाणी जी ने इसराइल का दौरा किया फॉरेन मिनिस्टर जसवंत सिंह के साथ। रही बात इसराइल की, तो इसराइल ने दुगने गर्म जोशी से भारत के दोस्ती को अपनाया। साल 2000 में इसराइल के मिनिस्टर फॉर रीजनल कोऑपरेशन मिस्टर शिमोन पर्स ने भारत के बैक टू बैक दो दौरे किए। उसके बाद 2002 में भी शिमोन पर्स ने भारत का पुनः दौरा किया। सबसे बड़ी पहल इसराइल के प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन ने भारत यात्रा करके दुनिया को दिखाया। एरियल शेरोन के विजिट ने भारत इसराइल की दोस्ती को एक नया मुकाम पर पहुंचाया। एरियल शेरोन के विजिट ने यह भी दिखाया कि भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी इसराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए कितने अग्रेसिव हैं। परंतु यह दोस्ती 2004 से 2014 तक फिर लिमिटेड दायरे में आ गई। इसराइल और भारत के एक्सचेंज दौरे कम हो गए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी के बाद पुनः कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन इस बार कांग्रेस की सरकार ने इसराइल के साथ रिलेशंस को टूटने न दिया। लिमिटेड ही सही, परंतु एक दूसरे के प्रति रिलेशंस अच्छे ही बने रहे। फिर आया वर्ष 2014, जब भारत में नए इतिहास ने जन्म लिया। तीन दशकों के बाद भारतीय राजनीति में किसी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाई और वह थी भारतीय जनता पार्टी। 545 सीटों में 282 सीट पर विजय प्राप्त कर बीजेपी ने बातों बातों में जनता को संकेत दिया कि आने वाले समय में ऐतिहासिक निर्णय लिए जाएंगे। उसी वर्ष यानी सितंबर 2014, उस वक्त न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली का आयोजन हुआ था। दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता अपने विषय को लेकर दुनिया को संबोधन करने आए थे। उस वक्त को सबसे ज्यादा खास बनाया भारत और इसराइल प्रधानमंत्री की बैठक ने। उस वक्त इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू थे। पीएम नरेंद्र मोदी और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मीटिंग हुई। बेंजामिन नेतन्याहू के बात करने के अंदाज से दिख रहा था कि वह भारत इसराइल के संबंध को नई शुरुआत देने के लिए कितने आतुर थे। बातों बातों में उन्होंने मोदी जी को इसराइल आने का निमंत्रण दिया। जुलाई 2017, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसराइल में अपना दौरा किया। श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इसराइल का दौरा किया। सबसे ज्यादा खास लम्हा था जब इसराइल के प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री मोदी जी को रिसीव करने तेल अविव एयरपोर्ट पर खड़े थे। दोनों प्रधानमंत्री जैसे कोई पुराने मित्र हो वैसा व्यवहार एक दूसरे के प्रति रखे हुए थे। भावुक हो चुके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश इसराइल 60 सालों से भारतीय प्रधानमंत्री के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। लाखों यहूदियों का दिल जीता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने ड्रेसिंग सेंस से। उनके सूट और पॉकेट स्क्वायर का रंग इसराइल के राष्ट्रध्वज से मिलता जुलता था। जनवरी 2018, बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा नेतन्याहू के साथ भारत का दौरा किया। आज भारत इसराइल का संबंध बहुत ही सुदृढ़ और घनिष्ठ है। आज इसराइल भारत का 10वें क्रमांक में सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। वर्ष 2015 के अनुसार भारत ने इसराइल से $2.3 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया। वर्ष 1992
दोनों देशों के बीच $200 मिलियन का बायलेटरल ट्रेड हुआ, जो बढ़कर 2014 में $4.52 बिलियन हुआ। उसी वर्ष इसराइल ने भारत से $2.3 बिलियन का सामान इंपोर्ट किया। वर्ष 2016 में भारत इसराइल के बीच करीब $600 मिलियन आर्म ट्रेड हुआ। रशिया के बाद इसराइल भारत के लिए दूसरे क्रमांक में सबसे ज्यादा शस्त्र प्रदान करने वाला देश बना। उसी के अगले वर्ष यानी सन 2017 में दोनों देशों के बीच $2 बिलियन की आर्म ट्रेड हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक नवंबर 2015 पेरिस में हुए आतंकी हमले के बाद मोसाद एजेंट्स नरेंद्र मोदी जी के तुर्की यात्रा में गुप्त तरीके से उनकी रक्षा में तैनात थे। 14 फरवरी 2019 पुलवामा में भारतीय सुरक्षा कर्मियों के काफिले पर आत्मघाती हमला होने पर 40 सीआरपीएफ जवान जब वीर गति प्राप्त हुए, तब इसराइल ने शोक व्यक्त करते हुए भारत को अनकंडीशनल सपोर्ट देने का आश्वासन दिया। आज भारत और इसराइल की दोस्ती दुनिया से छुपी नहीं। किसी ने सही कहा, जब दो घायल एक दूसरे के हो जाए, शक्ति का उत्तम आदान प्रदान होना तय है। भारत इसराइल दोनों आतंकी हमलों से जूझ रहे हैं, परंतु वक्त के साथ उनके बढ़ते साहस आतंकवादियों को अंदर तक मार रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वोट बैंक की राजनीति को रत्ती भर तवज्जा नहीं देते, इसीलिए आज धर्म जाति से आगे बढ़कर देश की सुरक्षा को सर्वोपरि मानकर इसराइल के साथ भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। इसराइल की तरह आतंकवादियों को उन्हीं के भाषा में जवाब देकर मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि दैट वी बिलोंग टू द लैंड ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों, यह कहानी थी भारत इसराइल के अनकही मैत्री संबंध की। मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य एवं ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।